हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। यस, हम इस वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, मैं पहले बता देती हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने तो मुझे बोला था कि दीदी प्लीज आप फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दो, क्योंकि जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना उसका फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो हमको नहीं आता है। ओके, तो फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत अच्छे से समझने वाले हो। और ये वीडियो जो है वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो अगर हमको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप यानी कि स्टेप वन क्या होता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसको क्या करो, आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लो। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो हमको क्या करना है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमको टर्म्स को कैसे अरेंज करना है, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स, यानी कि सबसे पहले हमारा पावर टू वाला टर्म होना चाहिए, फिर पावर वन वाला टर्म होना चाहिए और फिर होना चाहिए कॉन्स्टेंट, और राइट हैंड साइड कंप्लीटली क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इक्वेशन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, ये स्टेप वन हो गया। ओके, अभी क्या होगा हमारा स्टेप टू। स्टेप टू क्या होता है, हमको क्या करना है, ये जो हमारा कांस्टेंट होता है ना, ये जो हमारा कांस्टेंट होता है ना उसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, यानी कि पावर टू के कोएफिशिएंट से। ओके, समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो स्टेप टू है हमारा मल्टीप्लाई। अब किसको मल्टीप्लाई करना है वो मैं आपको ओरली बता रही हूँ। आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब जो अकेला नंबर है हमारा, यहाँ पे देखो ये अकेला नंबर है बेचारा, हाँ, तो इस नंबर को आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के यानी कि पावर टू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो पावर टू का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वन है, तो यानी कि जब हम लोग ये कांस्टेंट को पावर टू यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 216 ही मिलेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ अलग होता, वन के अलावा सपोज टू थ्री होता, तो तब यहाँ पे आपको फर्क महसूस होता। ठीक है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को इग्नोर मत करना। ओके, तो यानी कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, किसको मल्टीप्लाई करना था आपको, ये जो कांस्टेंट है उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने मल्टीप्लाई किया और हमको ये नंबर मिला। ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी ये जो स्टेप थ्री है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी हमको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको दो नंबर्स फाइंड करने हैं, ध्यान से सुनना, अभी हमको क्या करना है, दो नंबर्स फाइंड करने हैं। अब वो दोनों नंबर्स ऐसे होने चाहिए सच दैट कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, 216 मिलेगा, और जब हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, जब हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। क्या मिलेगा, 42 मिलेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, स्टेप थ्री क्या है हमारा, फाइंड द नंबर, मैं यहां पे लिख देती हूं फाइंड द नंबर। ओके, फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पे देखो ये स्टेप को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, मे बी ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो बड़ा ही काम का है। अगर आप एक बार आपको फैक्टराइजेशन मेथड आ गया ना, सच बोल रही हूं कि ये आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे, अगर एक बार बस आपको ये कॉन्सेप्ट चमक गया ना तो फिर आप अपने बच्चों को भी ये फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा लोगे। ठीक है, तो आप मुझे बहुत पढ़ाने में मजा आता है क्योंकि अब मुझे पता है कि क्या है ये मेथड, कैसा है ये मेथड। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने क्या बोला आपको कि अभी आपको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं सच दैट कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब हम उनको ऐड करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसकी साइन क्या है, प्लस है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जब हम वो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना, तो क्या मिलना चाहिए, 42 मिलना चाहिए, यानी कि ये जो मिडिल टर्म है ना उसका कोएफिशिएंट मिलना चाहिए।
यानी कि 42 मिलना चाहिए। तो अभी हमको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 216 आता हो और जिसको प्लस करने पे ये मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आता हो। तो अभी ये दो नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े नंबर्स है, यानी कि हमको पता है क्या कि कौन से टेबल में 216 आता है? नहीं पता। तो ऐसे जो है ना, ऐसे नंबर्स का फैक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अभी आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो 216 है ना, देखो ध्यान से देना, यहाँ पे अभी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे ये जो 216 है ना, इसके अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने वाले हैं। पता है ना, आपने कुछ ऐसा कभी निकाला होगा, अभी हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर जिसके टेबल में ये जाता होगा वो कौन है हमारा, 2। यस, छोटे से शुरुआत करो, 2 से शुरुआत करो। क्या 2 के टेबल में 216 जाता है? हाँ जाता है। चलो तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 1 2 हो जाएगा, फिर क्या 1 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो जीरो जा लेना पड़ेगा, सबसे पहले जीरो जा लेना पड़ेगा, और फिर 2 8 जा हो जाएगा 16। ओके, कुछ बच्चे यहाँ पर ही गलती कर देंगे। क्या गलती कर देंगे, देखो मैं बताती हूँ गलती क्या हो सकती है, यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे 2 1 2 लिखेंगे और फिर डायरेक्टली लिख देंगे 2 8 16, और ये गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, डिवाइड करने का प्रॉपर रूल आपको पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, हमने लिखा 2 1 2, उसके बाद क्या होगा, एक नंबर नीचे आएगा ना, एक नंबर नीचे कैरी डाउन होगा। तो क्या 1 2 के टेबल में जाता है? नहीं। तो पहले हमको जीरो जा लेना पड़ेगा, 2 0 0। अभी हम ये दोनों नंबर्स को साथ में ले सकते हैं, दैट इज 2 8 16। ये याद रखना, यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ करोगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अभी नेक्स्ट, अगर देखो ये 2 के टेबल में जाएगा है ना, तो अभी लिखेंगे 2 और अभी हम लिखेंगे 2 5 है ना। स्टार्टिंग में हम लोग दो नंबर्स ले सकते हैं, तो 2 5 10, उसके बाद होगा 2 4 8। अगेन 2 के टेबल में जाएगा 54 बरोबर, 2 2 हो जाएगा 4 और फिर 1 बचेगा 2 7 14। फिर अब देखो ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, अब ये 3 के टेबल में जाएगा बरोबर, तो 3 9 27 और फिर आ जाएगा अगेन 3 3 9 एंड फिर 3 1 3। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है हमारे 216 के। ओके, तो अब आपको क्या करना है, देखो अभी हमको दो नंबर्स चाहिए जो ये दो कंडीशंस फुलफिल करते होंगे। वो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे वो दो नंबर्स, रुको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहला जो ग्रुप है ना, पहला जो ग्रुप है उसमें देखो क्या करूँगी, ये 3 3 9 हो जाएगा और 9 3 क्या हो जाएगा, 27। तो ये 27 एक नंबर मिल गया, उसके बाद यहाँ पे ये तीनों नंबर को एक ग्रुप में ले लेती हूँ, दैट इज 2 2 4 और 4 2 8। ओके, तो हमारे जो दो नंबर्स है वो है 27 एंड 8। तो क्या 27 एंड 8, देखो 27 और 8 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 101% आपको 216 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका कोई इशू नहीं है। क्या ये दोनों को ऐड करने पे आपको 42 मिल रहा है? क्या ये दोनों को मैं ऐड करूंगी तो मुझे 42 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितना मिला, 35 मिला, मतलब ये दोनों जो नंबर्स है वो गलत हो गए, यानी कि हमारी ग्रुपिंग जो है वो गलत हो गई। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अभी दूसरा ग्रुप फाइंड, दूसरा ग्रुप बनाएंगे। तो दूसरा ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप लेंगे, एक ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर लेते हैं, दैट इज अभी हम लोग नेक्स्ट ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये रफ कर देती हूँ, हमारा पहली ग्रुपिंग जो है वो गलत साबित हो गई, कोई इशू नहीं चलेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 3 9 और 9 2 क्या हो जाएगा, 18, ठीक है, 9 2 18। तो एक ग्रुप में हमने ये तीनों नंबर को ले लिया, दैट इज 3 3 9 और 9 2 18। और दूसरे ग्रुप में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो बचे हुए नंबर है वो लेंगे, दैट इज 3 2 6 एंड 6 2 12। ओके, तो यहाँ पे देखो दो नंबर्स जो है वो है हमारे 18 एंड 12। तो 18 into 12 तो आपको पक्का 216 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो नंबर्स है इनको मल्टीप्लाई करोगे सबको तो 216 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये फैक्टर्स जो है यहाँ पे ये जो निकाला है वो इसका ही तो निकाला है। लेकिन क्या ये मेन है, क्या इनको ऐड करने पे, क्या इनको ऐड करने पे 42 आ रहा है? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, यानी कि ये ग्रुपिंग भी गलत हो गई। कोई बात नहीं, चलेगा, हम लोग दूसरी ग्रुपिंग करते हैं, दूसरी ग्रुपिंग करेंगे, क्या इशू है, चलेगा। देखो अभी अभी मैं क्या करती हूँ, देखो ध्यान देना,
ये हो जाएगा हमारा 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 हो गया, एंड 9 3 27 हो गया, 9 3 27 हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बरोबर नहीं है, हम क्या करते हैं, रुको, यहाँ पे देखो 3 3 9, और फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 3 9 एंड 9 2 हो जाएगा 18, और 18 2 हम लोग करेंगे तो हमको मिलेगा 36, क्या मिलेगा 36, तो हमने ये वाली ग्रुपिंग ले ली, कौन सी 3 3 9 एंड 9 2 18, और 18 2 हो जाएगा हमारा 36, और बाकी अभी दो नंबर्स कौन से बचे, ये वाले, दैट इज अभी ये दोनों नंबर्स को हम लोग एक ग्रुप में ले लेंगे, दैट इज 3 और 2, तो 3 2 6, तो आप देखो ये दोनों नंबर्स क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल करेंगे, हाँ जी हाँ मिल गया, यानी कि देखो अभी 36 × 6 करेंगे, 36 × 6 करेंगे तो पक्का 216 मिलेगा ही मिलेगा, और क्या 36 और 6 को ऐड करेंगे तो 42 मिलेगा, हाँ मिलेगा, यानी कि 36 प्लस 6 करेंगे तो मिलेगा 42, तो यानी कि जो दो नंबर्स चाहिए थे हमको, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 216 मिल रहा है और जिनको ऐड करने पे 42 मिल रहा है, वो दोनों नंबर्स हमको मिल गए हैं, कैसे मिले, ऐसे मिले, ग्रुपिंग करके मिले। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम जा रहा है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखो मुझे पहले से पता था ये, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आपको दिखा रही थी कि आपको ऐसा करना पड़ सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़ सकता है, ठीक है, हार मत मानो, थोड़ी सी आपको इसमें प्रैक्टिस लगेगी, देखना आप जरूर करोगे, ठीक है। तो आपको ग्रुपिंग करनी है, जैसे कि आपको ग्रुप बनाना है, ओके, तो मैंने क्या किया, देखो मैंने ग्रुप कौन सा बनाया, आपको ये ग्रुप है ना चेंज करते रहना है जब तक आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो जाती। जैसे कि मैंने क्या बोला कि 3 3 9 हो जाएगा, 9 2 18 एंड 18 2 हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 नंबर एक ग्रुप में लिए, 36 मिला, और बचे दो नंबर्स, दैट इज 3 और 2, तो 3 2 6, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, और देखो हमको मिल गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ग्रुप फॉर्म करो, आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि जो दो नंबर्स है वो हमको मिल गए, यानी कि अभी हमने नंबर्स तो फाइंड कर लिए। अब आता है हमारा स्टेप 4, और स्टेप 4 है अभी हमको क्या करना है, ये नंबर्स को प्रॉपर साइन देना है, अभी तक हमने साइन नहीं दिया है इसको, ये साइन नहीं लेनी है हमको, अभी हम क्या करेंगे, जो नंबर है हमारे वो यहाँ पे लिख देंगे, और अभी इनको हम लोग प्रॉपर साइन देंगे, ठीक है। ये साइन वाला है ना, ये साइन वाला लोचा ही बहुत बच्चों को क्या करता है, इरिटेट करता है या बहुत गुस्सा करता है, यानी कि उनको यही है ना, ये साइन बरोबर नहीं देते हैं ना, इसकी वजह से उनका रॉन्ग हो जाता है। तो अभी हमको प्रॉपर साइन देनी है, प्रॉपर साइन देनी है, इसका मतलब क्या, देखो मैं बताती हूँ, अब हमको क्या करना है, ये दोनों नंबर्स को साइन देनी है, और इसको ऐसी साइन दो, ये दोनों नंबर्स को ऐसी साइन दो सच दैट कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, -42 मिलेगा, क्या मिलेगा, -42 मिलेगा, क्योंकि जो हमारा ये देखो ये मिडिल टर्म है ना, ये मिडिल टर्म ही आगे जाके क्या होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है, यानी कि आगे जाके ब्रेकडाउन होने वाला है, ये मिडिल टर्म जो है ना इसके जगह पे हम लोग ये दोनों टर्म्स का यूज करने वाले हैं, तो मतलब कि ये दोनों को हम लोग को ऐसी साइन देनी पड़ेगी ना सच दैट कि हमको मिडिल नंबर का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए, यानी कि मिडिल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अब ये दोनों को ऐसी साइन दो सच दैट कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -42 होना चाहिए, तो फाइनल आंसर में माइनस है, इसका मतलब ग्रेटर नंबर को तो पक्का माइनस देना ही पड़ेगा, तभी जाके फाइनल आंसर में माइनस आता है ना। अब यहाँ पे इस नंबर को क्या साइन दे, तो क्या इसको प्लस दे, नहीं प्लस नहीं देंगे, प्लस क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, और 36 माइनस 6 करेंगे तो वो 40 होगा, सॉरी 36 माइनस 6 करेंगे तो वो 30 होगा, 42 का आ रहा है, तो यानी कि प्लस तो नहीं दे सकते, माइनस ही देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस जाके प्लस होता है, और ये दोनों ऐड होने चाहिए, ऐड होने चाहिए, है ना, तब जाके 42 मिलेगा। तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 36 प्लस 6 हो गया 42, एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस, देखो तो ये प्रॉपर साइन हमने इसको दे दी, प्रॉपर साइन दे दी। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, फर्स्ट वन नहीं समझ रहा है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, एक और एक क्वेश्चन करूंगी, और वो इससे भी बड़ा होने वाला है,
तो मतलब कि आपको आना चाहिए, ये बहुत ही इजी है, बस थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगता है लेकिन फिर इजी हो जाता है। तो हो गया इतना, ठीक है। तो अभी हमने प्रॉपर साइन दे दी, हमने नंबर साइन कर लिए, उनको प्रॉपर साइन भी दे दी, और अब हमारा फाइनल स्टेप होता है, दैट इज स्टेप नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि जो हमारा बीच वाला टर्म है अब उसको स्प्लिट करेंगे, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उसके जगह पे ये दोनों टर्म्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर, ये हमारा मिडल टर्म है, ये बीच का टर्म है ना, मिडल टर्म है। अब इसके जगह पे लिखना -36, -36, और यस एक्स लगाना भूलना मत, क्योंकि हमारा मिडिल टर्म एक्स में है ना, तो एक्स लगा देना और आगे लिखना -6x, ठीक है। और आगे है +216=0। तो यहाँ पे देखो, ये जो मिडिल टर्म है इसके जगह पे हमने ये लिखा, और जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे, अपने मन में सिंप्लीफाई करना, देखना इसको जब सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। मन में करना ये, अभी मत करना, हो गया, अब कुछ नहीं करना। अभी क्या करोगे, एक ग्रुप ये बनाओगे और एक ग्रुप ये बनाओगे, ठीक है। ये ग्रुप बनाना है आपको, फर्स्ट ग्रुप में आप फर्स्ट टू नंबर्स लोगे, नेक्स्ट ग्रुप में आप नेक्स्ट टू नंबर्स लोगे, ठीक है, यानी कि थर्ड और फोर्थ नंबर लोगे। और उसके बाद अभी क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बताओ, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, बरोबर। दोनों में देखो x x है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना x कॉमन निकल सकता है, एक। ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे एक x बच गया, माइनस यहाँ पे एक x तो कॉमन निकल गया था, तो यहाँ पे बच गया 36, ओके, ब्रैकेट क्लोज। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पे माइनस साइन होता है ना, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे कॉमन निकलेगा हमारा 6, कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो पता चल गया था, दैट इज 6 × 36 क्या होता है, 216 होता है, बरोबर। 6 × 36 देखो यहाँ पे क्या था ना, 6 × 36 होता है 216। तो यहाँ से देखो, ये दोनों जो हमारे टर्म्स है इसमें से 6 बाहर कॉमन निकलेगा, क्यों, क्योंकि 6 के टेबल में 216 आता है, एंड दैट इज 36। तो इसलिए हम लोग ये दोनों टर्म्स से एक तो माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं और एक 6 कॉमन निकाल रहे हैं। ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे बचेगा x, ठीक है। अब देखो, अब ये प्लस साइन जो है वो माइनस साइन में चेंज हो जाएगी, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाला है, मतलब ये दोनों टर्म से माइनस साइन बाहर कॉमन आई है। और ये कब पता चलेगा कि हमको माइनस साइन बाहर कॉमन निकालना है, ये कब निकालना है, जब आपको यहाँ पे माइनस साइन दिखता है ना, तो इसका मतलब आपको माइनस साइन को बाहर कॉमन निकालना है और ये जो अंदर वाला जो टर्म है उसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का माइनस हो गया, एंड 6 हाउ मेनी इज 216 होता है, तो 636, तो यहाँ पे 36 और ब्रैकेट क्लोज =0। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ये दोनों जो ब्रैकेट्स है वो सेम मिल रहे हैं, मतलब यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, आप सही डायरेक्शन में हो, आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो सही चल रहा है। अगर आप जुगाड़ नहीं कर रहे हो तो, हाँ, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, जुगाड़ करके ये सेम ब्रैकेट लाते हैं, और ये ऐसा मत करना आप लोग। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत सिंपल स्टेप है। अभी आपको क्या करना है, ये दोनों जो है सेम है, देखो ये दोनों ब्रैकेट, उसको एक ब्रैकेट लिख दो, ओके, दैट इज x माइनस 36, एक ब्रैकेट बस हुआ, उसके बाद x माइनस 6, यहाँ पे ये x और माइनस 6 =0, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो इसका रीजन क्या है, लॉजिकल रीजन क्या है वो मैं बता देती हूँ। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो अभी ये दोनों टर्म से क्या कॉमन निकलेगा, ये दोनों टर्म से कॉमन निकलेगा x माइनस 36 कॉमन निकला, और फिर यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा -6। तो ऐसा इसका लॉजिक रीजन है, लेकिन वो लॉजिक अभी फिलहाल जाने दो। आपको क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में लिखना है, फिर ये x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में लिखना है =0, एंड नेक्स्ट आ जाता है दैट इज x माइनस 36 =0 और x माइनस 6 =0। यहां से अभी x के वैल्यूज निकालो, बस सिंपल, x माइनस 36 से यहाँ पे हो जाएगा तो प्लस 36, और x ये माइनस 6 है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 6। तो ये हो गए हमारे आंसर्स, दिस आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमेशा याद रखना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलने ही चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते ही होते हैं, गारंटी के साथ, ठीक है, मैं ये उठा देती हूँ, ओके। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा,
फर्स्ट वन अगर आपको हार्ड लग रहा है तो हार्ड लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर लिया है। अब इससे भी बड़ा नंबर तो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो मेरे को तो पढ़ाना है तो मैं तो पढ़ाऊंगी, जिसको देखना है देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम पता है ना आपको, वर्ड प्रॉब्लम अगर आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें ऐसे बड़े बड़े ही आते हैं और मैंने वहां से ही उठाया है ये, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे बड़े बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनते हैं, फिर उसका फैक्टर निकालना, मतलब ये दो नंबर निकालना, वही प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो वही उसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, मैं यहाँ पे ये स्टेप्स लेने देती हूँ, बाकी सब मैं रफ कर देती हूँ। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड वन। यहाँ पे देखो, अब तक हमारा वीडियो खत्म हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि देखो फर्स्ट वन आप लोग ने किया है, ठीक है। फर्स्ट वन थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन अगर आप अभी सेकेंड वन करोगे ना मेरे साथ, देखना आपको ये जो मेथड है वो सबसे ज्यादा इजी लगने वाला है। बस आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये स्टेप्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको एक बार मेथड आ जाएगा तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है कि हमको क्या करना है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से देख लो, पता ही होगा स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, पावर 2 वाला टर्म होता है, उसके बाद पावर 1 वाला टर्म होता है। बट यहाँ पे देखो, ये राइट हैंड साइड में है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो -5x यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +5x, और यहाँ पे देखो ये जो +168 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -168 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, हमने हमारा स्टेप 1 कर दिया। अब स्टेप 2 क्या है, मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमको ये जो कॉन्स्टेंट है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है 168, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, दैट इज 2 से। तो क्या मिलेगा, देखो 2 8 16, 2 6 12 + 1 13, 2 1 2 + 1 3, यानी कि जो हमको मिला मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर, वो है 336। दिस इज इंपॉर्टेंट नंबर, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। स्टेप 2 डन। स्टेप 3 क्या है, फाइंड नंबर्स। हमको नंबर्स फाइंड करने हैं, कौन से नंबर्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ। ये दोनों है ना, ये जो स्टेप 3 और स्टेप 4 है ना, ये दोनों स्टेप्स जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको साइन की चिंता अभी नहीं करनी है, ओके। साइन की चिंता अब मत करो, साइन की चिंता हम लोग स्टेप नंबर 4 में देखेंगे, यानी कि जो भी साइन वगैरह है उसको स्टेप नंबर 4 में देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ वो दो नंबर्स फाइंड करेंगे। कौन से नंबर्स, हमको अभी देखो ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 336 आता हो, और जिसको माइनस करने पे क्या आता हो, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आता हो। ये मिडिल टर्म है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, इसलिए बोलेंगे 5, ठीक है। तो अभी हमको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 336 आता हो, और जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट की साइन, यहाँ पे जो साइन होगी उसका यूज होगा, ठीक है। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता होगा, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आता होगा, दैट इज 5 आता होगा। तो यहाँ पे देखो, हमको तो पता नहीं भाई कि 336 तो कौन कौन से टेबल में आता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 336 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर है जिसके टेबल में 336 आता है, वो है 2। तो यानी कि 2 से शुरुआत होगी, ओके। सबसे छोटे से शुरुआत करो, दैट इज 2 1 2, फिर 1 बचेगा 2 6 12, 1 बचेगा 2 8 16। अगेन देखो, 2 के टेबल में आएगा ये, दैट इज 2 8 16, 2 4 8, ठीक है। अगेन 2 के टेबल में 2 4 8, 2 2 4, अगेन 2 के टेबल में 2 2 4 एंड 2 1 2। अब देखो, 21 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, वो तो 3 के टेबल में आता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, ओके। तो यानी कि 3 7 21, और देखो 7 तो सिर्फ 7 के टेबल में आता है, तो यानी कि नेक्स्ट प्राइम नंबर आ गया हमारा 7 7 7। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ये सारे हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स है 336 के।
तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। मुझे तो ग्रुप करने में बहुत बड़ा मजा आता है, ठीक है। हम लोग अभी ग्रुप करेंगे, हम दो ग्रुप बनाएंगे अभी, ओके। और हम लोग फाइंड करेंगे ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 336 मिलता हो और जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 मिलता हो। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 मिलता हो, यानी कि वो दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। डिफरेंस मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो तो अभी ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 7 और 3 को मैं एक ग्रुप में ले लेती हूँ, दैट इज 7 और 3 को एक ग्रुप में लेके, तो 7 3 हो जाएगा 21, और बाकी के जो नंबर है उनको दूसरे ग्रुप में, दैट इज 1 2 3 4, ये दूसरे ग्रुप में हो जाएंगे। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है। तो 16, तो हमारे जो दो नंबर्स है वो है 21 एंड 16। क्या ये दो नंबर्स, ये दोनों नंबर्स ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं? देखो जरा यहाँ पे देखो, डेफिनेटली जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको 336 मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, ओके। क्योंकि ये यहाँ से ही उठाए हैं हमने, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे, ये सबको मल्टीप्लाई करने पे आपको 336 तो मिलना ही है, ओके। इसका तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन क्या इनको सब्ट्रैक्ट करने पे, क्या इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 5 मिल रहा है? तो यहाँ पे देखो ये 11 हो गया, ये 1 हो गया, 11 माइनस 6 करोगे तो 5, 1 माइनस 1 करोगे तो 0, यस मिल गया। यानी कि हमारे जो दो नंबर्स है वो है 21 एंड 16, तो ये दोनों नंबर्स हमको चाहिए थे। देखो कितने फटाक से मिल गया, ये आपको आदत होनी चाहिए। देखो फर्स्ट वन में टाइम लगा था, क्यों टाइम लगा था, क्योंकि मैंने जानबूझ के टाइम लगाया, क्योंकि आपको बता रही थी मैं कि आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ सकता है, यहाँ पे ये नंबर के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा खेलो ना, आपको देखो पक्के वो दो नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी देखो हमको दो नंबर्स मिल गए हैं, तो हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो हो गया है, ओके। तो हमको वो दो नंबर्स मिल गए हैं, दैट इज 21 एंड 16। अब देखो, अब तक हमने साइन के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था, बस अभी हमने क्या किया था, दो नंबर्स फाइंड कर लिए। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज साइन वाला स्टेप। अभी साइन देना है इसको, ठीक है, अभी साइन देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो हमको ये दोनों नंबर्स को ऐसी साइन देनी है सच दैट कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, प्लस 5 मिलेगा, यानी कि मिडल टर्म मिलेगा, यानी कि प्लस 5 मिलेगा, ओके। प्लस 5 मिलना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो मिडल टर्म है ना वही तो स्प्लिट होता है ना, स्प्लिट होता है मतलब वही तो ब्रेक डाउन होता है, इसी को तो हम लोग ब्रेक करके ये दोनों का यूज करते हैं। तो हमको ये दोनों नंबर्स को ऐसी साइन देनी है सच दैट कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर प्लस 5 आना चाहिए, प्लस 5 आना चाहिए, ठीक है, माइनस 5 नहीं, प्लस 5, ओके। और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए देखो, क्योंकि फाइनल आंसर जो है वो प्लस में है, तो ग्रेटर नंबर को तो प्लस साइन देनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन जो है वो फाइनल उत्तर में लगती है। एक मिनट, सीटी बज रहा है, हाँ। तो यहाँ पे देखो जो ग्रेटर नंबर की जो साइन है वो फाइनल उत्तर में लगती है, तो ग्रेटर नंबर को तो प्लस साइन देना पड़ेगा। वॉट अबाउट 16 को क्या साइन दे? तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो है वो सब्ट्रैक्ट होने चाहिए ना, तभी जाके 5 मिलेगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि साइन डिफरेंट, मतलब साइन अलग अलग होती है, तो अगर इसको प्लस दिया तो इसको माइनस देना पड़ेगा। अब देखो इसको अपने मन में सिंप्लीफाई करो, देखो प्लस माइनस होगा माइनस, 21 माइनस 16 करोगे तो 5 मिलेगा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस 5 मिला। तो साइन आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देना पड़ेगा, हाँ ठीक है, करोगे ना, ओके वेरी गुड। तो अब आ जाता है, अब हम लोग यहाँ पे लिखना चालू कर देंगे। तो अब हमारा फिर से मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, तो 2x² + 5x - 168 = 0। अब आता है हमारा स्टेप, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, हाँ। अभी स्टेप नंबर 5 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अब हम लोग अपना लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये 2x² ऐसे ही रहने दो, ये प्लस 5x है ना, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 21x, हाँ x लगाना भूलना मत, ओके, प्लस 21x और माइनस 16x और आगे है माइनस 168 = 0, क्लियर है, ठीक है। अभी क्या करोगे, ग्रुप करोगे, ये एक ग्रुप बनेगा और एक ये ग्रुप बनेगा, और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां से कॉमन निकालेंगे। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ x कॉमन निकलेगा,
है ना, क्योंकि 2 के टेबल में 21 तो नहीं आता है, तो x कॉमन निकला। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 21 बचा, क्योंकि x तो बाहर कॉमन आ गया है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी यहाँ पे आपको माइनस साइन नजर आती है तो वो माइनस साइन जो है वो बाहर कॉमन निकलेगी, क्लियर है। अब यहाँ पे और क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा 8, क्या कॉमन निकलेगा, 8 कॉमन निकलेगा। अब ये मुझे कैसे पता चला, बहुत ही सिंपल है, मुझे कैसे पता चला बताओ, मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पहले वाला जो ब्रैकेट है, इसके आगे जो ब्रैकेट है, इसको बस मैंने नोटिस किया। आपको तो पता ही होगा कि ये वाला ब्रैकेट और यहाँ पे जो ब्रैकेट होगा वो सेम सेम होगा, तो मुझे कैसे पता चला कि 8 ही कॉमन बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहला वाला जो ब्रैकेट है ना, मैंने बस उसको थोड़ा सा नोटिस किया। यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में देखो, पहला टर्म क्या है, 2x है, क्या है, 2x है। तो मैंने बस ये सोचा कि कौन से टेबल में 2 16 होता है, कौन से टेबल में 2 16 होता है, यानी कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 क्या होता है, 16 होता है, और वो है हमारा 8। 8 2 16 होता है, तो मैंने बस 8 को कॉमन निकाल दिया। तो अभी अभी देखो, अभी क्या होने वाला है, 8 2 16 और यहाँ पे x, तो यहाँ पे देखो 2x और 2x आ गया, है ना, 8 2 16 और यहाँ पे x है, तो x। अब यहाँ पे ये माइनस साइन जो है वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगी, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाला है, तो आपको पता ही है कि अंदर वाला जो टर्म है उसकी साइन चेंज हो जाती है, तो ये माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं आग बंद करके लिख दूंगी 21 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया आग बंद करके, आग बंद करके तो नहीं लिखा, बट मैंने पहले वाले ब्रैकेट को देखा और बस मैंने लिख दिया 21, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो 8 21 168 ही होगा। यहाँ पे देख लो, 21 × 8 करो तो 8 1 8 8 2 16, यानी कि देख लो 8 21 168 ही होगा। तो बस मैंने ये वाला जो ब्रैकेट है इसका यूज करके ये पता किया कि क्या कॉमन निकल सकता है ये दोनों में से, ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल सकता है, और वो 8 निकला, ठीक है, क्योंकि 8 2 16 होता है, और इधर जो है इस ब्रैकेट का पहला टर्म जो है वो 2x होना चाहिए, यानी कि 2x तो पक्का होना ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम होते ही है, चाहे कुछ भी हो फैक्टराइजेशन मेथड में, ये दोनों ब्रैकेट तो सेम होने ही चाहिए, बस ये लॉजिक मैंने यूज किया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट तो बहुत इजी स्टेप है, एक ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे 2x प्लस 21, ठीक है, 2x प्लस 21 लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 इसको इसको दोनों को मिलेगा, दैट इज 2x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं ये थोड़ा सा रफ कर देती हूँ वरना पूरा ऐसा खिचड़ी लग रहा है। तो यहाँ पे x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे देखो 2x ये प्लस 21 है, वहां पे शिफ्ट होगा तो माइनस 21, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 21 मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे आ गया डिवाइड में 2, x की ये वैल्यू मिली और यहाँ पे x माइनस 8 है तो इधर जाएगा तो प्लस 8, तो x की दूसरी वैल्यू ये मिली। तो हमेशा याद रखना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलेंगे और यहाँ पे जो हमारे दो रूट्स है वो है ये वाले, ठीक है। आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो अभी बस आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैंने तो मेरा पूरा 100% लगा दिया कि आप लोग ऐसे बड़े बड़े नंबर्स के जो फैक्टर्स है, बड़े बड़े नंबर्स के वो दो नंबर्स कैसे फाइंड करोगे, वो मेरा मोटिव था कराने का, ठीक है। तो चलो मैंने करा दिया है, अभी मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क है, तो जरा देखो करो, होमवर्क होता है कि नहीं तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही हूँ, तो आपको क्या करना है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, ये 5 स्टेप फॉलो करो और आपका आंसर ज़रूर आएगा। और ऐसे में और कौन कौन से छोटे छोटे वीडियोज बनाओ वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।